अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक ही होंगे, और आप सभी के दुआ से मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे थे 12:30, फिर मैं नाश्ता कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं नाश्ता लेट करती हूँ, तो मैंने थोड़ा गर्म पानी पिया, उसके बाद मैंने सैंडविच बनाया और टीवी देखते देखते मैंने अपना मील इंजॉय किया। और वैसे हाँ, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, पर वो होता है ना, एक आप खुद को टाइम दे पाते हो, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो करती हूँ, मुझे भी पता है नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं करती हूँ, वो मेरी चॉइस है, इस बात से प्लीज़ मुझे जज ना करिएगा। और उसके बाद ना मैंने सोचा, दोपहर हो रहे थे, नाश्ता वाश्ता करते मुझे 1 बज गए थे, तो फिर मैंने ना दाल भिगो दिए थे, चने के जो दाल होते हैं मैंने वो भिगो दिए थे। मैंने सोचा आज मैं दाल बनाती हूँ, और ये मेरे सबसे फेवरेट खाना है, मतलब ये दाल और चावल या दाल के साथ, मतलब वो रोटी, मतलब सबसे कंफर्ट फूड होता है वो दाल एंड चावल। तो उसके बाद मैंने भिगो दिया था दाल, और उसके तड़के के लिए ना मैं बना रही थी, यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ काट रही थी, मैंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ काटी, वही जो नॉर्मल सारी सब्ज़ी होती है। और मैंने दाल 1 घंटे भिगो लिए थे, तो मैंने 4 सीटी लगाई थी ना, तो दाल मेरे रेडी हो गए थे। यहाँ पे आप देख लें, दाल भी रेडी है, और मैंने दाल में एक्स्ट्रा पानी डाला था कि उससे जो पानी बचते हैं ना, तो मैं वही वाला दाल में यूज़ करती हूँ, और अलग से कुछ यूज़ नहीं करती कि ऊपर से गर्म करके पानी या कुछ नहीं। तो मैंने वही पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ, और फिर वही बचा के मैं उसे रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन बारीक काट लिया था, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और आप वैसे तो ज़्यादातर दाल घी में बनती है, पर हमें पर्सनली घी बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया अपने वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाला, और आप वो भी डाल सकते हो, राई भी डाल सकते हो, पर मुझे उसके टेस्ट नहीं पसंद तो मैं वो नहीं डालती। और ज़ीरा चटक चटक जाए, उसके बाद मैं लहसुन ऐड करूँगी, और लहसुन मतलब 2 सेकेंड भूनना है, उसे पूरा फ्राई नहीं करना, तभी मैं ना वो हरी मिर्च उसमें डाल दूँगी। तो हरी मिर्च डालते ही ना वो जो उड़ने लगती है ऊपर, चटक चटक के आती है ना, तो उसे 2 सेकंड फिर भी आपको फ्लेम लो करके मतलब ऐसे भूनना है। और उसी में प्याज, आप फिर उसके बाद प्याज डाल दें, और प्याज के साथ थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि मैंने खाना में 2 से 3 बार नमक डालती हूँ, तो मतलब वो मैं ऐसा करती हूँ ना कि प्याज में थोड़ा डालती हूँ तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो थोड़ा उस टाइम डालती हूँ, फिर थोड़ा टमाटर पकने के टाइम डालती हूँ, फिर लास्ट में सालन चेक करके, वैसे अंदाज़ा है मुझे 1 बार का, पर मैं वैसे नहीं डालती, 2 से 3 बार में डालती हूँ। तो फिर यहाँ पे ना प्याज मैंने ब्राउन कर लिया, और यहाँ अभी देखे मैंने नमक ऐड किया, उसके बाद ना प्याज थोड़े लाइट से पिंक पिंकिश ब्राउन हो जाएंगे, तब मतलब थोड़े से ब्राउन भी आएंगे साइड में और थोड़े पिंक रहेंगे, वो पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो उससे मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आता है। वैसे बहुत सारे तरीके से दाल तड़का बनता है, पर मुझे, मैं यही तरीके से बनाती हूँ, मुझे यही तरीके से पसंद है। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कुकर में ही मतलब जितना तड़का मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ, कुकर में सारे साथ लगाती हूँ, और उसके बाद मैं दाल को डालती हूँ, और उसमें पानी डाल के सीटी लगा देती हूँ। इसमें मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि दाल बॉईल होके उसके अलग टेस्ट निकलती है, उसके जो पानी रहते हैं उसमें अलग टेस्ट आती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। अब वैसे भी बना सकते हो आप जल्दी में हो तो। यहाँ पे मैंने जो अपने टमाटर काटे थे, मैंने वो टमाटर इसमें ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और रेड मिर्च मैंने बहुत कम यूज़ किया था, और वैसे भी मेरे पास जो लाल वाली मिर्च हैं तो वो तीखी बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी कलर के लिए, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने एकदम लिटिल बिट गरम मसाला डाला था, और सबको भून छून के कि टमाटर पूरे अच्छे से गल जाए, तब तक हमें उसकी भुनाई करनी है। और उससे फिर मैंने अपने बॉयल्ड वाले वो चने ऐड कर दिए, मतलब दाल, जो चने की दाल होती है वो ऐड कर दिए उसमें, और उसके बाद ना मतलब आप तुरंत भी पानी डाल सकते हो, पर ना मैं 2 सेकंड उसे भून लेती हूँ ना कि सारे मसाले के टेस्ट आ जाए उसमें, तब मैं उसमें पानी डालती हूँ। फिर मैंने वही अपना चना वाला पानी जो उबाला था, मैंने पानी डाल दिया, और उसके बाद क्या, आप 5 मिनट इसे ढक के पका लो, आपको जितनी इसके थिकनेस रखनी है उतनी रख लो। तो मुझे ना बहुत गाढ़ी भी नहीं पसंद है, बहुत पतली भी नहीं पसंद है, मतलब बीच की जो होती है ना वो पसंद है। तो वैसे भी आपने इसे पहले वो ऐसे भी ना, ये जैसे जैसे ठंडी होती रहती है ना दाल, तो वो ना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो बहुत ही थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ना, मुझे ये कंसिस्टेंसी बहुत ठीक लग रही है, तो मैं ना यही पे बंद कर दूँगी अपना चूल्हा, और इसमें मैंने थोड़ा लेमन ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं छौंक लगाती हूँ लास्ट में। आप वो ऑप्शनल है, वो लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें के साथ लगाते हैं, पर मैं थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, उसमें लिटिल बिट
रेड चिल्ली पाउडर या आप ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो, कलर के लिए मैंने थोड़ा सा रेड चिल्ली डाला था, वो डाल दो। और उसके बाद फिर आप ये ना ये वाला प्रोसेस आप बिल्कुल बहुत ध्यान से करो, क्योंकि मैं मुझे तो जलना ही है, थोड़ा बहुत तो मुझे लग ही जाती है, मेरे हाथ पे भी पड़ गई थी। और उसके बाद फिर घर पे थोड़े से धनिया पड़े थे तो मैंने डाल दिए, और ये इसकी फाइनल शक्ल। ये बहुत मज़े की बनती है, सच में बहुत टेस्टी होती है। उसके बाद ये दूसरे दिन की ब्लॉग है, और 2 दिन के मैंने ब्लॉग ऐड किए कर दिया इसमें। और मैं ना अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, तो मैं वहाँ पे पेस्ट्री शॉप गई थी, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें लिए थे जो मुझे चाहिए थे, मैं लेके जा रही थी उसके लिए। और वहाँ पे जो क्यूट क्यूट मोमेंट है वो आप देखे, कितने मज़े मैंने किए इकरा के साथ, वो आप देखिए अभी। इकरा चॉकलेट ले लो, टॉफी, अभी वो वाले टॉफी में बिजी है। इकरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, लाडो खड़ी हो जाओ। इकरा बोलो मामा, मामा, मामा बोलो, मामा लव यू। दो चॉकलेट दो। अरे वाह चॉकलेट दे दी मेरी इकरा, ले लो ले लो। इकरा ताली बजाओ, ताली बजा दो, तो ताली जो बजाती हो मम्मी के सामने, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ दो, तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ ना, ताली बजा दो, नहीं बजाओगी। इकरा कहाँ जा रही हो, इतना दूर में बैठोगी? इकरा इकरा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इकरा? क्या कर रही हो, बात करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोल दो, बोलो मामा, मामा बोलो ना, मामा। क्या कर रही हो, फैला रही हो तुम सिर्फ। खड़ी हो गई एक रा, खड़ी हो गई, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गिर गया, अच्छा ले लो। इकरा बैठ गई, इकरा बैठ गई। अले मेरे प्यारी, मेरे पास आ गई बेटा मेरा। माशाल्लाह से इसकी, और माशाल्लाह से इसकी इतनी प्यारी स्माइल है, और इतना ज़्यादा तेज़ है ना ये। अब बस कुछ दिखा नहीं रही थी, पर बहुत बोल रही थी उस टाइम। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा ठूसा वूसा, उसके बाद मैं घर आ गई। अगर उसके बाद फिर ना मैं इकरा के साथ थोड़ा और खेली, और वो ना वीडियो में कुछ नहीं बोल रही थी, पर ऐसे ना वो बहुत ज़्यादा ही बोल रही थी। ठीक देन ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और मुझे प्लीज़ जज ना करें, मुझे कुछ गलत है तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए।